ओम श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पार ब्रह्म श्री सच्चिदानंद समर सद्गुरु साईनाथ महाराज, आपकी जय हो, आपकी जय हो बाबा। बाबा आपके आशीर्वाद से आज श्री साई सचरित्र का अध्याय 13 का पठन होगा। बाबा आपके चरणों में विनती है कि यह अध्याय सभी भक्तों के चित्त में उतरे और इससे सभी को लाभ हो। आइए अब हम अध्याय का पठन करते हैं, अध्याय 13, जिसमें दिया है अन्य कई लीलाएं रोग निवारण। पहला, भीमाजी पाटिल, बाला गणपत दर्जी, बापू साहेब बूटी, आलंदी स्वामी, काका महाजनी, हरदा के दत्तोपंत, यानी कुल मिलाकर के 6 कहानियां इसमें हैं जो कि लीलाएं हैं। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं माया की अभेद्य शक्ति। बाबा के शब्द सदैव संक्षिप्त, अर्थपूर्ण, गूढ़ और विद्वता पूर्ण तथा समतोल रहते थे। वे सदा निश्चिंत और निर्भय रहते थे। उनका कथन था कि मैं फकीर हूँ, ना तो मेरे स्त्री है और ना घर द्वार ही। सब चिंताओं को त्याग कर मैं एक ही स्थान पर रहता हूँ, फिर भी माया मुझे कष्ट पहुँचाया करती है। मैं स्वयं को तो भूल चुका हूँ, परंतु माया मुझे नहीं भूलती, क्योंकि वह मुझे अपने चक्र में फंसा लेती है। श्रीहरि की माया, श्रीहरि की ये माया ब्रह्मादि को भी नहीं छोड़ती, फिर मुझ सरीखे फकीर का तो कहना ही क्या है। परंतु जो हरि की शरण लेंगे वे उनकी कृपा से माया जाल से मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार बाबा ने माया की शक्ति का परिचय दिया। भगवान श्री कृष्ण भागवत में उद्धव से कहते हैं कि संत मेरे जीवित स्वरूप हैं, और बाबा का भी कहना यही था कि वे भाग्यशाली जिनके समस्त पाप नष्ट होने हों, वे ही मेरी उपासना की ओर अग्रसर होते हैं। यदि तुम केवल साईं साईं का ही स्मरण करोगे तो मैं तुम्हें भवसागर से पार उतार दूंगा। इन शब्दों पर विश्वास करो, तुम्हें अवश्य लाभ होगा। मेरी पूजा के निमित्त कोई सामग्री या अष्टांग योग की भी आवश्यकता नहीं है, मैं तो भक्ति में ही निवास करता हूँ। अब आगे देखिए कि अनाश्रितों के आश्रयदाता साईं ने भक्तों के कल्याणार्थ क्या क्या दिया। अब पढ़ते हैं भीमाजी पाटिल, सत्य साई व्रत, नारायण गांव, तालुका जुन्नर, जिला पूना के एक महानुभव भीमाजी पाटिल को सन 1909 में वक्षस्थल में एक भयंकर रोग हुआ जो आगे चलकर क्षय रोग में परिणत हो गया। उन्होंने अनेक प्रकार की चिकित्सा की परंतु कुछ लाभ ना हुआ। अंत में हताश होकर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे नारायण, हे प्रभु, मुझ अनाथ की कुछ सहायता करो। यह तो विदित ही है कि जब हम सुखी होते हैं तो भगवत स्मरण नहीं करते, परंतु जो ही दुर्भाग्य घेर लेता है और दुर्दिन आते हैं तभी हमें भगवान की याद आती है। इसलिए भीमाजी ने भी ईश्वर को पुकारा। उन्हें विचार आया कि क्यों ना साईं बाबा के परम भक्त श्री नाना साहेब चांदोरकर से इस विषय में परामर्श लिया जाए, और इसी हेतु उन्होंने अपनी स्थिति पूर्ण विवरण सहित उनके पास लिख भेजी और उचित मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की। प्रत्युत्तर में श्री नाना साहेब ने लिख दिया कि अब तो केवल एक ही उपाय शेष है, और वह है साईं बाबा के चरण कमलों की शरणागति। नाना साहेब के वचनों पर विश्वास कर उन्होंने शिरडी प्रस्थान की तैयारी की। उन्हें शिरडी में लाया गया और मस्जिद में ले जाकर लिटाया गया। श्री नाना साहेब और श्यामा भी इस समय वहीं उपस्थित थे। बाबा बोले कि यह पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का ही फल है, इस कारण मैं इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता। यह सुनकर रोगी अत्यंत निराश होकर करुणापूर्ण स्वर में बोला कि मैं बिल्कुल निस्सहाय हूँ और अंतिम आशा लेकर आपके श्री चरणों में आया हूँ। आपसे दया की भीख मांगता हूँ, हे दिनों के शरण, मुझ पर दया करो। इस प्रार्थना से बाबा का हृदय द्रवित हो आया और वे बोले कि अच्छा ठहरो, चिंता ना करो, तुम्हारे दुखों का अंत शीघ्र होगा। कोई कितना भी दुखित और पीड़ित क्यों ना हो, जैसे ही वह मस्जिद की सीढ़ियों पर पैर रखता है वह सुखी हो जाता है।
मस्जिद का फकीर बहुत दयालु है और वह तुम्हारा रोग भी निर्मूल कर देगा। वह तो सब पर प्रेम और दया रखकर रक्षा करता है। रोगी को हर 5वें मिनट पर खून की उल्टियां हुआ करती थी, परंतु बाबा के समक्ष उसे कोई उल्टी ना हुई। जिस समय से बाबा ने अपने श्रीमुख से आशा और दयापूर्ण शब्दों में उक्त उद्गार प्रकट किए, उसी समय से रोग ने भी पलटा खाया। बाबा ने रोगी को भीमाबाई के घर में ठहरने को कहा। ये स्थान उस प्रकार के रोगी को सुविधाजनक और स्वास्थ्यप्रद तो ना था, फिर भी बाबा की आज्ञा कौन टाल सकता था। वहाँ पर रहते हुए बाबा ने 2 स्वप्न देकर उसका रोग हरण कर लिया। पहले स्वप्न में रोगी ने देखा कि वह एक विद्यार्थी है और शिक्षक के सामने कविता मुखाग्र ना कर सकने के दंड स्वरूप बैतों की मार से असहनीय कष्ट भोग रहा है। दूसरे स्वप्न में उसने देखा कि कोई हृदय पर नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे की ओर पत्थर घुमा रहा है, जिससे उसे असहाय पीड़ा हो रही है। स्वप्न में इस प्रकार कष्ट पाकर वह स्वस्थ हो गया और घर लौट आया। फिर वह कभी कभी शिरडी आता और साईं बाबा की दया का स्मरण कर साष्टांग प्रणाम करता था। बाबा अपने भक्तों से किस वस्तु की आशा ना रखते थे, वे तो केवल स्मरण, दृढ़ निष्ठा और भक्ति के भूखे थे। महाराष्ट्र के लोग प्रतिपक्ष या प्रतिमास सदैव सत्यनारायण का व्रत किया करते हैं, परंतु अपने गांव पहुंचने पर भीमाजी पाटिल ने सत्यनारायण व्रत कथा के स्थान पर एक नया ही सत्य साईं व्रत प्रारंभ कर दिया। आगे पढ़ते हैं बाला गणपत दर्जी। एक दूसरे भक्त जिनका नाम बाला गणपत दर्जी था, एक समय जीर्ण ज्वर से पीड़ित हुए। उन्होंने सब प्रकार की दवाइयां और काढ़े लिए, परंतु इनसे कोई लाभ ना हुआ। जब ज्वर तिल मात्र भी ना घटा तो वे शिरडी दौड़े आए और बाबा के श्री चरणों की शरण ली। बाबा ने उन्हें विचित्र आदेश दिया कि लक्ष्मी मंदिर के पास जाकर एक काले कुत्ते को थोड़ा सा दही और चावल खिलाओ। वे यह समझ ना सके कि इस आदेश का पालन कैसे करें। घर पहुंचकर चावल और दही लेकर वे लक्ष्मी मंदिर पहुंचे, जहां उन्हें एक काला कुत्ता पूंछ हिलाते हुए दिखा। उन्होंने वह चावल और दही उस कुत्ते के सामने रख दिया, जिसे वह तुरंत ही खा गया। इस चरित्र की विशेषता का वर्णन कैसे करूं कि उपयुक्त उपाय करने मात्र से ही बाला दर्जी का ज्वर हमेशा के लिए जाता रहा। आगे जानते हैं बापू साहेब बूटी। श्रीमान बापू साहेब बूटी एक बार अम्लपित्त के रोग से पीड़ित हुए। उनकी अलमारी में अनेक औषधियां थी, परंतु कोई भी गुणकारी ना हो रही थी। बापू साहेब अम्लपित्त के कारण अति दुर्बल हो गए और उनकी स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि वे अब मस्जिद में जाकर बाबा के दर्शन करने में भी असमर्थ थे। बाबा ने उन्हें बुलाकर अपने सम्मुख बिठाया और बोले, सावधान, अब तुम्हें दस्त ना लगेंगे। अपनी उंगली उठाकर फिर कहने लगे, उल्टियां भी अवश्य रुक जाएंगी। बाबा ने ऐसी कृपा की कि रोग समूल नष्ट हो गया और बूटी साहेब पूर्णतः स्वस्थ हो गए। एक अन्य अवसर पर भी वे हैजा से पीड़ित हो गए, फलस्वरूप उनकी प्यास अधिक तीव्र हो गई। डॉक्टर पिल्ले ने हर तरह के उपचार किए, परंतु स्थिति ना सुधरी। अंत में वे फिर बाबा के पास पहुँचे और उनसे तृषा रोग निवारण की औषधि के लिए प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर बाबा ने उन्हें मीठे दूध में उबाला हो बादाम, अखरोट और पिस्ते का काढ़ा पियो। बाबा ने उन्हें मीठे दूध में उबाला हो बादाम, अखरोट और पिस्ते का काढ़ा पीने के लिए कहा और यह औषधि बतला दी। दूसरा डॉक्टर या हकीम बाबा की बतलाई हुई इस औषधि को प्राणघातक ही समझता, परंतु बाबा की आज्ञा का पालन करने से यह रोग नाशक सिद्ध हुई और आश्चर्य की बात है कि रोग समूल नष्ट हो गया। अब आगे पढ़ते हैं आलंदी के स्वामी। आलंदी के एक स्वामी बाबा के दर्शनार्थ शिरडी पधारे। उनके कान में असह्य पीड़ा थी, जिसके कारण उन्हें एक पल भी विश्राम करना दुष्कर था। उनकी शल्य चिकित्सा भी हो चुकी थी, फिर भी स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन ना हुआ था। दर्द भी अधिक था। वे किंकर्तव्य मूढ़ होकर वापस लौटने के लिए बाबा से अनुमति मांगने गए। यह देखकर श्यामा ने बाबा से प्रार्थना की कि स्वामी के कान में अधिक पीड़ा है, आप इन पर कृपा करो। बाबा आश्वासन देकर बोले, अल्लाह अच्छा करेगा। स्वामी जी पुनः वापस लौट आए
और एक सप्ताह के बाद उन्होंने शिरडी पत्र भेजा कि पीड़ा अब शांत हो गई है, परंतु सूजन अभी पूर्ववत ही है। सूजन दूर हो जाए इसके लिए वे शल्य चिकित्सा ऑपरेशन कराने बम्बई गए। शल्य चिकित्सा विशेषज्ञ सर्जन ने जांच करने के बाद कहा कि शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं। बाबा के शब्दों का गुणार्थ हम निरे मूर्ख क्या समझें। अब आगे जानते हैं काका महाजनी। काका महाजनी नाम के एक अन्य भक्त को अतिसार की बीमारी हो गई। बाबा का सेवा क्रम नहीं टूट जाए इस कारण वे एक लोटा पानी भरकर मस्जिद के कोने में रख देते थे ताकि शंका होने पर शीघ्र ही बाहर जा सकें। श्री साईं बाबा को तो सब विदिति था, फिर भी काका ने बाबा को सूचना इसलिए नहीं दी कि वे रोग से शीघ्र ही मुक्ति पा जाएंगे। मस्जिद में फर्श बनाने की स्वीकृति बाबा से प्राप्त हो चुकी थी, परंतु जब कार्य प्रारंभ हुआ तो बाबा क्रोधित हो गए और उत्तेजित होकर चिल्लाने लगे, जिससे भगदड़ मच गई। जैसे ही काका भागने लगे वैसे ही बाबा ने उन्हें पकड़ लिया और अपने सामने बिठा लिया। इस गड़बड़ी में कोई आदमी मूंगफली की एक थैली छोटी थैली वहां भूल गया। बाबा ने एक मुट्ठी मूंगफली उसमें से निकाली और छील कर दाने काका को खाने के लिए दे दिए। क्रोधित होना, मूंगफली छीलना और उन्हें काका को खिलाना, यह सब कार्य एक साथ ही चलने लगा। स्वयं बाबा ने भी उसमें से कुछ मूंगफली खाई। तब जब थैली खाली हो गई तो बाबा ने कहा कि मुझे प्यास लगी है, जाकर थोड़ा जल ले आओ। काका एक घड़ा पानी भर लाए और दोनों ने उसमें से पानी पिया। फिर बाबा बोले कि अब तुम्हारा अतिसार रोग दूर हो गया, तुम अपने फर्श के कार्य की देखभाल कर सकते हो। थोड़े ही समय में भागे हुए लोग भी लौट आए, कार्य पुनः प्रारंभ हो गया। काका का रोग अब प्राय दूर हो चुका था, इस कारण वे कार्य में संलग्न हो गए। क्या मूंगफली अतिसार रोग की औषधि है, इसका उत्तर कौन दे। वर्तमान चिकित्सा प्रणाली के अनुसार तो मूंगफली से अतिसार में वृद्धि होती है, ना कि मुक्ति। इस विषय में सदैव की भांति बाबा के श्री वचन ही औषधि स्वरूप थे। हरदा के दत्तोपंत। अब पढ़ते हैं हरदा के दत्तोपंत। हरदा के एक सज्जन जिनका नाम श्री दत्तोपंत था, 14 वर्ष से उदर रोग से पीड़ित थे। किसी भी औषधि से उन्हें लाभ ना हुआ। अचानक कहीं से बाबा की कीर्ति उनके कानों में पड़ी कि उनकी दृष्टि मात्र से ही रोगी स्वस्थ हो जाते हैं। अतः वे भी भागकर शिरडी आए और बाबा के चरणों की शरण ली। बाबा ने प्रेम दृष्टि से उनकी ओर देखकर आशीर्वाद देकर अपना वरद हस्त उनके मस्तक पर रखा और आशीष और उदी प्राप्त कर वे स्वस्थ हो गए तथा भविष्य में उन्हें फिर कोई पीड़ा ना हुई। इसी तरह के निम्नलिखित तीन चमत्कार इस अध्याय के अंत में टिप्पणी में दिए गए हैं। पहला, माधव राव देशपांडे बवासीर रोग से पीड़ित थे। बाबा की आज्ञानुसार सोनामुखी का काढ़ा सेवन करने से वे निरोग हो गए। 2 वर्ष पश्चात उन्हें पुनः वही पीड़ा उत्पन्न हुई। बाबा से बिना परामर्श लिए वे उसी काढ़े का सेवन करने लगे। परिणाम यह हुआ कि रोग अधिक बढ़ गया, परंतु बाद में बाबा की कृपा से शीघ्र ही ठीक हो गया। दूसरा है काका महाजनी के बड़े भाई गंगाधर पंत को कुछ वर्षों से सदैव उदर में पीड़ा बनी रहती थी। बाबा की कीर्ति सुनकर वे भी शिरडी आए और आरोग्य प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने लगे। बाबा ने उनके उदर को स्पर्श कर कहा, अल्लाह अच्छा करेगा। इसके पश्चात तुरंत ही उनकी उदर पीड़ा मिट गई और वह पूर्णतः स्वस्थ हो गए। तीसरा, श्री नाना साहेब चांदोरकर को भी एक बार उदर में पीड़ा होने लगी। वे दिन रात मछली के समान तड़पने लगे। डॉक्टरों ने उनके उपचार किए, परंतु कोई परिणाम ना निकला। अंत में वे बाबा की शरण में आए। बाबा ने उन्हें घी के साथ बर्फी खाने की आज्ञा दी। इस औषधि के सेवन से वे पूर्ण स्वस्थ हो गए। इन सब कथाओं से यह प्रतीत होता है कि सच्ची औषधि जिससे अनेकों को स्वास्थ्य लाभ हुआ, वह बाबा के केवल श्रीमुख से उच्चारित वचनों एवं उनकी कृपा का ही प्रभाव था। श्री सद्गुरु साईनाथ अपरणमस्तु, शुभम भवतु, सप्ताह परायणा, द्वितीय विश्राम, ओम साईराम।